अरे आपने तो साइन ही नहीं किया, ये तो कोई ड्राइंग की तरह लग रहा है। मैं ऐसा ही करता हूँ। ये तो पहलवान के जैसा होना चाहिए। पहलवान के जैसा साइन भी उसका बहुत स्ट्रॉन्ग है, यही कह रहा था मैं। उठाओ उठाओ फोन। हेलो, हाँ बोलिए। ओके, वो वेटिंग पर है, वो आपको पकड़ने के लिए आ रहा है। उसे आने के लिए बोल दो। हेलो हेलो, लगता है रख दिया। तो फिर घाट पर मिलते हैं। घाट पर? अरे मैदान में, कुश्ती के मैदान में। मैं ये भूल गया था, वो शारजा बाजार में पहलवान को पकड़ना है। क्या पकड़ना है? उनसे अकाउंट खुलवाना है। वोटर में एक ट्रेन और मिल गया। ऑरेंज है, ऑरेंज। हे, रुक जाओ, तुम्हें साइन कहाँ से मिला? क्या साइन, किसका साइन? साइन है साइन, सिग्नेचर सिग्नेचर। कल्याणी का साइन मिल जाए तो 1000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, 1000 एक सिग्नेचर हो जाएंगे। हमारे इस पाइप में पानी नहीं आ रहा, इसीलिए हम पिटीशन दे रहे हैं। कल्याणी, तुम्हारे घर में पानी आ रहा है? अरे वाउचर, ये पहलवान को अरबी ने पैसा दिया, उसका वाउचर है। कुश्ती, कुल्हड़ी, फाइट, तलवार फाइट, ये सब अरेंज किए हुए हैं। ये साइन लेना एक एंटरटेनमेंट है। तुम ज्यादा स्मार्ट मत बनो। शारजहाँ के यासिन खालिद ने ना अभी कोई एंटरटेनमेंट नहीं देखे जो कल्याणी करा सकती है, ये जाकर अपने अरबी को बता देना। अरे इसने तो फाड़ दिया। कुछ नहीं गया, इस कुत्ती के दिमाग में एक चीज याद हो गई तो हमेशा दिल में रहती है। दिखाता हूँ, ये देखो, ये है उस पहलवान का साइन, देखो। अरे तुम तो सिग्नेचर मास्टर निकले। अभी अपनी खुशी का वक्त नहीं है, दांत मत दिखाओ अपने। कल्याणी चुप होने वाली नहीं है। ऐसा क्या? कल्याणी पठान के पास जाके हमारा भांडा फोड़ेगी और तब पठान हमारा कचूमर निकाल देंगे, याद रखना। अच्छा ठीक है। क्या? अरे बाप रे, रुको। आज किसी भी तरह पहलवान का अकाउंट खुलवाना ही होगा। तुम अपने भगवान से प्रार्थना करो। मुझे चोट लग गई, तुमने प्रार्थना? मैंने भगवान से प्रार्थना की थी। किसी भी हाल में अकाउंट खोलना जरूरी है। सर मैं नहीं, ऊपर वाला इंसान जा रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता क्या? यहाँ से ले। अरे अरे सर, क्या हालत हो गई सर आपकी? ऐसे आप कैसे मिलेंगे उससे? बदबू भी आ रही है बहुत ज्यादा। चलिए वापस चलते हैं। वापस नहीं जाएंगे, शर्ट नहीं तो क्या हुआ? बैंक मैनेजर ही रहेगा ना, तुम्हें चलो। मुझे पकड़ने के लिए आने वाला अभी तक आया क्यों नहीं? वो तो ठीक 12 बजे आऊंगा ये बोला था। मेरा हाथ उसे मारने के लिए तड़प रहा है। आप ताकतवर है, सबको पता है। वो आपके डर से आपको पकड़ने के लिए नहीं आ रहा। गुरुजी, मैं जाकर देख के आता हूँ। गुरुजी, वो लोग आ गए हैं। गुरुजी आ गए। मैं आपको एक और अंडा देती हूँ। आप पहलवान भाई से मिलने आए ना? हाँ भाई, आपने कैसे पहचाना? आपको देखते ही पहचान लिया। भाई आपका कब से इंतजार कर रहे हैं? देखा, हम लोग यहाँ से लेकर जाएंगे, भाग्य देवता हमारा इंतजार कर रहे हैं। मुंह बंद करके अंदर चलो, आओ। चलिए। लो वो लोग आ गए। हेलो। मुझे पकड़ने के लिए आए हो ना? जी। हम अकाउंट खुलाने के लिए आए हैं, ये समझ गए। मैं इंतजार ही कर रहा था। अब जल्दी से पैंट उतार कर अंदर आ जाओ, मुझे बहुत काम है, अभी पता चल जाएगा। अरे पैंट क्यों उतरवा रहा है? ये क्या है? ये भाई का नियम है, पैंट उतारनी पड़ेगी, और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास। ऐसे कैसे पैंट? सर आइए ना इधर। सर हमें अकाउंट खुलवाना जरूरी है, पैंट उतार दीजिए। ये पहलवान का घर है तो नियम पहलवान का ही चलेगा, देखिएगा पक्का हमें ही मिलेगा। तब पैंट उतार देता हूं। उतार दीजिए। अरे जल्दी से उतारिए ना सर, जल्दी से जाइए ना, घुटना तो स्ट्रांग है ना। चलिए चलिए जाइए। अब बड़े पठान के साइन रह गए। हे भगवान, जल्दी से साइन दिलवा दे। अब
माँ ये सब क्या है? आज तुम्हारा जन्मदिन है, ये बात भानु और कल्याणी ने हमें बताई है। हैप्पी बर्थडे। थैंक्स। मेरा जन्मदिन है, ये उन्हें कैसे पता चला? तो तुम आज अब खुद का ही जन्मदिन भूल गए? यासिन खालिद हरे कृष्णा को याद कर रहे हो? मलयालम महीना 1421 आषाढ़ शुक्र शाम के समय में, ये बात कल्याणी को समझ में नहीं आ रही है ना? तो जनवरी 2001 25 तारीख को मेरा जन्मदिन है, समझ गई? ठीक कहा ना अम्मी? हाँ बेटा। समझी प्यारी कल्याणी? हैप्पी बर्थडे टू यू। इसमें से चाकू उठाओ। ये चाकू क्या खाने के लिए? ये खाने के लिए नहीं, फेंकने के लिए है। इतना लंबा चाकू कैसे फेंक सकते हैं? ये फेंकने के लिए नहीं है, ये चाकू फेंकने का खेल है। कल्याणी बोली थी कि आप चाकू फेंकने में बहुत माहिर है ना? कल्याणी ने बोला चाकू फेंकने में माहिर हूँ। ये कल्याणी ने ऐसे ही कहा, चाकू फेंकना, ऊंट की सवारी, इन सारी चीजों में एक्सपर्ट है यासीन। अरे तुम ऊंट की सवारी में भी एक्सपर्ट हो? ऊंट को पत्थर मारो तो ऊंट बहुत तेज भागता है। चलो यासीन। अरे मैं कैसे वहाँ? चलो चलो सब कुछ रेडी है, यासीन के चाकू का खेल देखने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। ले जाते चढ़ जाओ। तुम्हें ऐसा शौक है तो तुम्हें पहले ही बताना चाहिए था। आहा, यासिन बहुत अच्छा खेल दिखाता है, देखते हैं ना? तो शुरू करें। क्या? चाकू फेंकना। चाकू? तुम्हारे खेल को देखने के लिए लोग इंतजार कर रहे हैं। शेख भाई जो खेल नहीं जानते उसे मत खेलो। ये मेरा दोस्त। क्या बोला है? मतलब मेरा पुराना दोस्त है। इसे यहाँ क्यों बांध कर रखा है? तुम्हें ये चाकू फेंकना होगा, बिल्कुल अच्छे तरीके से अपना खेल दिखाओ और सबको इम्प्रेस कर दो। चलो जल्दी खेल दिखाओ। सुनो इस चाकू को नीचे रखो। सुनो चाकू फेंकने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है, मैं बहुत कुछ फेंकता हूँ, पर बात यह है कि थोड़े दिनों से प्रैक्टिस नहीं की है, और प्रैक्टिस के बिना अगर मैं थोड़े दिन तक रिहर्सल कर लूँ ना, उसके बाद देखना क्या फेंकता हूँ। नहीं शेख भाई, बिना जाने समझे खेल मत खेलो। एकदम चुप हो जाओ, अपना मुंह खोलोगे तो दांत तोड़ दूंगा। शेख चाकू फेंकना नहीं जानते, ये तुम्हें कैसे पता? अरे मेरी बात तो एक बार सुनो ना। इन्हें गेम शुरू करने के लिए कहिए ना। मुझसे पूछने क्या जरूरत है, शुरू करो। चाकू ठीक है, आदमी भी ठीक है, फेंकूंगा और खेलूंगा, पर याद रखना हम अरबियों के लिए इस तरह के खेल गुनाह है, इससे किसी की जान भी जा सकती है। खुद की पत्नी हमें जान से भी प्यारी होती है, किसी की जान को नुकसान हो तो अपनी जान को होना चाहिए, इसीलिए किसी और पर चाकू चलाने से बेहतर हम अपनी पत्नी पर चलाते हैं। अरे शेख भाई मैं बेचारा आदमी हूँ, मुझे जाने दो, प्लीज मुझे माफ करो। यहाँ मेरे दोस्त को नहीं होना चाहिए। ये तो अरबी लोगों का नियम है बेटा। चाकू फेंको ना, तुम्हारा कमाल देखने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं। अबे कहाँ फंसा दिया तूने? मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी है अपनी अम्मी। लेकिन कोई अरबी अपनी माँ पर वार नहीं कर सकता। कल्याणी को अगर बांधा जाए तो मैं खेल सकता हूँ। मैं वहाँ नहीं रहूंगी दादाजी। बेटी जरूरी है। जरूरी है, खुद की बीवी हो तो अरबी का हाथ नहीं कांपता है, उसका निशाना नहीं चूकता है, अगर निशाना चूका तो उसकी बीवी की जान चली जाएगी, इसलिए मैं अपनी बीवी को खड़ा करूंगा। आ जाओ, चलो खड़ी हो जाओ। देखना जरूरी है, मुझे बिल्कुल वार नहीं करना जरूरी है। प्लीज पिताजी रोकिए ना इसे। यासीन की बात मानो, वो क्या चाहता है वो करो। हाँ प्लीज पिताजी रोकिए ना इसे, आप मुझे छोड़ दो ना, प्लीज प्लीज पिताजी रोकिए ना इसे, मुझे ये नहीं खेलना, मुझे ये खेल नहीं खेलना पिताजी, प्लीज प्लीज छोड़ दो मुझे, प्लीज मत करो, प्लीज तुम बहुत अच्छे हो ना, प्लीज प्लीज। ओके ऑल द बेस्ट। हा
बात है। प्लीज खोलो मुझे। नहीं प्लीज खोलो। आ जाओ। ये दादा की तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट। नहीं नहीं नहीं, मुझे ये सब नहीं चाहिए। अरे दादा दे रहे हैं तो मना नहीं करना चाहिए। तुम्हें क्या चाहिए बेटा? मैं तुम्हें क्या चाहिए बताओ। अरे बताओ ना, बताओ क्या चाहिए, बताओ तो। बताओ बताओ बताओ। कुछ और चाहिए? वो क्या है, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस 100 रुपए चाहिए। 100 रुपए? शेख बेटा 100 रुपए मांग रहा है। शेख बेटा ने 100 रुपए मांगे तो दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, मुझे कैश नहीं चाहिए। आपकी याद मेरे लिए हमेशा ताजी रहे, इसके लिए बस एक चेक लिख दीजिए। चेक बुक लेके।